वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है अपने घर से और जस्ट अभी मेरे रूम से, जैसे कि आप देख सकते हैं बगल में जो है अपनी बम्बल भी खड़ी है। 4 सितंबर सुबह के जो है 9:30 हो चुके हैं एंड आज का व्लॉग जो है अपने फुल फैमिली के ऊपर होने वाला है। कोज अपना जो बाबू है, छोटा वाले भैया है और दीदी है, वो चले आएंगे आज अपने घर मतलब की जबलपुर। तो जिया जी जो है सुबह सुबह आ चुके हैं, उनको जो है अपन को मामा के यहाँ पे लेके चलना, उनसे जो है जिया जी को मिलना था। जिया जी जो है ऊपर रेडी हो चुके हैं, मैं अभी जस्ट सोके उठा था तो मैं भी फटाफट फेस वॉश वगैरह करके चेंज वगैरह कर लिया नोनी ने सब कुछ। तो अभी यहाँ पे जो है 9:15 हो चुका है, अभी अपने अपने रूम में देन यहाँ से अपने पोपला को बाहर निकाल दिया, बम्बल भी अपने बगल में खड़ी है। चलते हैं ऊपर, सब लोगों से मिलते हैं, बाबू से मिलते हैं, जिया जी से मिलते हैं, मम्मी से मिलते हैं। सब लोगों से मिलने के बाद थोड़ी देर में नोनी नाश्ता वगैरह करके निकलेगा घर से, तो जिया जी को लेकर अपन को चलना है मामा के घर, जो कि थोड़ा डिस्टेंस में, थोड़ा टाइम लगेगा जाने आने में। तो आज का व्लॉग जो है नोनी का पूरा फैमिली के ऊपर होने वाला है। तो अपना जो लास्ट एपिसोड है जो बाबू के साथ शूट करेंगे आज अपने बाबू चले आएगा, दीदी चलेंगे, छोटा वाला भैया है वो चले आएगा जबलपुर। जैसे कि आपको पता है रक्षाबंधन थी तो नोनी गया था जबलपुर दीदी को लेने, तो बाबू को, छोटे वाले भैया को, सबको जो है मैं लेकर आया था। अब जो है जिया जी वापस लेने आ चुके हैं, तो अभी वो है ऊपर, उनको जो है लेकर चलना है अपन को मामा के घर। देन जो है शाम के 4 बजे की रिटर्न की ट्रेन है, अभी 9:15 हो चुका है। बिना लेट करे चलते हैं ऊपर रूम में, सबसे मिलते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो का। तो चलिए, नहीं जा रहे घूमने, चल रहा नहीं जा रहे, तैयार तो हो जाए जल्दी, नाश्ता कर लो। डूड अभी जो है अपन ऊपर आ चुके हैं, जिया जी वगैरह कर रहे हैं नाश्ता, फैमिली के ऊपर जो है आज वाला ब्लॉग होने वाला है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। तो चलिए नाश्ता वगैरह करते हैं, थोड़ी देर में इस वीडियो को करेंगे कंटिन्यू। A few moments later. तो सीन कुछ ऐसा है कि सब लोग हो चुके हैं रेडी, अपन जो है नीचे चल रहे हैं, हेलमेट पे गोप्रो कर लेते हैं माउंट, बाबू जी आदि और मैं चलेंगे मामे के यहाँ पे, जो है हेलमेट पे कर लेते हैं इस गोप्रो को माउंट और कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए, सीन कुछ ऐसा है कि अपने घर से मामा के घर की डिस्टेंस जो है अपना है 20 किलोमीटर। इधर बैठे हैं जिया जी नानी वगैरह से, मामी वगैरह से जो बातें कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में बातें वगैरह करने के बाद निकलेंगे यहाँ से, देन करेंगे वीडियो को कंटिन्यू। चलो बाबू, तुम सुनना पाए हमारी बात। 2 hours later. तो सीन कुछ ऐसा है कि काफी टाइम निकल जाने के बाद मामा के घर से अपन जो गए थे मामा की दुकान पर, देन वहाँ से निकल के डायरेक्ट जो है अपन आ रहे थे घर। अभी जो है यहाँ पे 2:15 हो चुके हैं, 4:15 की जिया जी की ट्रेन है, दीदी वगैरह सब लोग जो है वापस जाएंगे, उनका जो है छोड़ने चलेंगे अपन स्टेशन। अभी जो है अपन आ चुके हैं अपने घर पर, थोड़े बहुत मूवमेंट और जो है मैं इस वीडियो में कैप्चर करूंगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को अपन करेंगे कंटिन्यू। तो चलिए, हम दूर भागे तेरे बिना, गाये हम से नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी ना चाहे, करे जो मन मानिए मन ना माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। A few moments later. तो दूध अपन आ चुके हैं स्टेशन, अपने हाथ में भैया, बाकी सब लोग जो है ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही ट्रेन। बाबू घर जा रहे हो? अरे पुच्छी कर दो मामा को, पुच्छी कर दो, हमारे बाबू जो है हाथ से पुच्छी करता है, ऐसे उंगली लगाता है, ऐसे कई बार ऐसा बच्चा होगा जो उंगली से पुच्छी करता है, ऐसे करते पुच्छी, ऐसे करते बाबू पुच्छी, कैसे ऐसे अपने घर। भैया दीदी वगैरह जो है सब जा चुके हैं, तो काफी सुना सुना हो जाएगा, बच्चे घर में रहते काफी चेहर फेल रहती है, काफी अच्छा लगता है। तो बाबू जो है जा चुका है जबलपुर एंड फुल फैमिली के ऊपर आज का मेरा ब्लॉग था, 4 तारीख है, तो काफी मिस करेगा नोनी अपने बाबू को। देखते हैं जबलपुर कब जाना होगा, भैया से कब मिलना होगा, तो इसी टाइप का मैं अपनी वीडियो का टाइटल रखूंगा लास्ट एपिसोड, भैया से रिलेटेड कुछ करके। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो नोनी की देखने के लिए। तो मिलेगा नोनी आपसे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। सो टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।